नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव की सूची, पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, उसमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल टिकट से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनाव लड़ाने की यहां पर गारंटी दे दी थी, टिकट दे दिया गया था। इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, बिहार की ही किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में उन्होंने बीजेपी की टिकट को वापस लौटा दिया। जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आई कि पवन सिंह बीजेपी की टिकट लौटाने के बाद आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में बिहार की आरा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पवन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को आधार मानते हुए यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह बिहार में आरा सीट से चुनाव लड़ने का ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, बिहार की मिट्टी की मैं सेवा करना चाहता हूं, बिहार के लोगों ने जिस प्यार सम्मान दिया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब आरा सीट को लेकर के लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पवन सिंह जहां आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, वहीं अब आरा सीट को लेकर तेजस्वी यादव उनको चुनाव लड़ाने पर मंथन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में चाहेंगे कि यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पुख्ता किया जाए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आरजेडी फूक फूक कर कदम रख रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव लालू परिवार की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि पटना से लेकर दिल्ली तक अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। लालू परिवार ने अपनी बेटी राहिणी आचार्य को सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी, जिनके बीच फिलहाल तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन ऐसे में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को भी चुनावी मैदान में उतार करके लालू परिवार बड़ा फैसला ले सकता है। लालू परिवार की कोशिशें हैं कि यहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति में सक्रिय रखा जाए, जबकि दिल्ली की राजनीति लालू परिवार के अन्य सदस्यों के हाथों में देकर चलाई जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या लालू परिवार, जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है, इस लोकसभा चुनाव में कमाल दिखा पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।